रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। रवीश, अपने कैमरे के एंगल से दरअसल दिखाइए कि आप कहां पर मौजूद हैं इस काफिले में, और आगे हमने अरविंद से भी यही सवाल पूछा था कि आगे ये काफिला रुकेगा या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, काफिला तो अब नहीं रुकेगा क्योंकि अभी पीछे भी रिफ्यूलिंग के लिए काफी देर तक काफिला रुका रहा। उसके बाद क्योंकि खाने पीने का जो सामान है वो गाड़ियों के अंदर मौजूद है, तो काफिले के रुकने का तो फिलहाल सवाल नहीं है। सिर्फ काफिला तभी रुकेगा अगर जरूरत महसूस होगी अतीक अहमद को। फिलहाल अगर हम जहाँ के मौजूद है तो यहाँ से बता दें, यहाँ से प्रयागराज की दूरी 265 किलोमीटर है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि आपको वो एक्सक्लूसिव फ्रेम दिखाए जिस फ्रेम को लेकर के आज तक लगातार कोटा से लेकर यहाँ तक अतीक अहमद के साथ चल रहा है, यूपी पुलिस के साथ चल रहा है। ये फ्रेम है जो किसी और चैनल को इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाकी सभी लोग जो है, अगर आप देखें तस्वीरों, मीडिया कर्मी वो या तो वैन के साथ में या फिर पीछे है, लेकिन आज तक की गाड़ी जो है वो आगे चल रही है और आगे से हम आपको ये फ्रेम दिखा रहे हैं। 145 किलोमीटर यहाँ से चित्रकूट है, 265 किलोमीटर यहाँ से प्रयागराज है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जिस रफ्तार से ये गाड़ियां चल रही है, ये मान के चलिए कि 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगेंगे यहाँ से प्रयागराज पहुंचने में। यानी आप मान के चलिए कि अगर इस समय दिन के करीब 1:14 हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 4 बजे तक ज्यादा से ज्यादा जो काफिला है गाड़ियों का वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि यूपी पुलिस यहाँ पे गाड़ियों को हूटर बजा करके साइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस को पहले ही ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि रास्ता पूरी तरीके से साफ रखना है। देखिए, अभी तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे है, यहाँ पर वैसे भी बहुत यातायात नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले भी जो हाईवे था, उस हाईवे पे आपको बताएं कि जितने भी कट आ रहे थे, जितने भी टर्न आ रहे थे, उन सभी मोड़ों पर और उन सभी कट पर पुलिस की तैनाती थी और वहां पे यातायात को रोक दिया गया था। यानी पुलिस कप्तानों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरा रूट क्लियर रखेंगे, उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। हर वो जगह जहां से कोई आदमी कट के जरिए काफिले के बीच में आ सकता है या फिर काफिले में व्यवधान पैदा हो सकता है, उन सभी एंट्री पॉइंट को पुलिस काफिले के निकलने से 10 मिनट पहले ही बंद कर देती है, और पूरे रास्ते हमें यही देखने को मिला। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्योंकि एक इजी एक्सेस एक्सप्रेसवे नहीं है, यहाँ पे एक बार जो गाड़ी चढ़ जाती है फिर वो सीधे जब उसे नीचे उतरना होता है वहीं पे उतरती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कोई भी यातायात में व्यवधान नहीं है और इसलिए तेजी से गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चलते हुए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से गाड़ियां जो है इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चल करके प्रयागराज की तरफ जा रही है, और यही रफ्तार रही तो प्रयागराज पहुंचने में बमुश्किल 3 से 3.5 घंटे का समय यहां लगेगा। तक पहुंचा रहे रवीश पाल सिंह, काफिले के आगे वो मौजूद हैं, और इनके कैमरे की नजर से देखिए कि पीछे ये लंबा चौड़ा काफिला जिसमें यूपी पुलिस की तमाम गाड़ियां शामिल हैं वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद से जब जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें डर लग रहा है, तो दो अलग अलग बयान सामने आए। उत्तर प्रदेश का बयान अलग था जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, और गुजरात का अलग था। सुनिए। अधिक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अधिक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? वोट के धंधे के रक्षे मारना चाह रहे हैं।